आज अनुलंबित भुजाओ कनका वदाताओ संकीर्तनेक पितरौ कमलाय ताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पन्दो चित्रो छंदो तमोनुतो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका इस भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के आठवें अध्याय से बात कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 42 से 52 42-52 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज छोटे से बालक हैं, अपने पिता के सिंहासन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सौतेली माँ ने रोक दिया। अब सौतेली माँ ने रोक दिया, पिता ने बीच में कुछ बचाव नहीं किया, कुछ सहानुभूति नहीं दिखाई। छोटे से बच्चे के लिए बड़ी बात होती है ये, छोटे से बच्चे का हृदय कोमल होता है, कोई बात होती है बिल्कुल कचोट जाती है। और फिर ध्रुव महाराज क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था, उनका एकदम क्षत्रिय स्वभाव, गर्म खून था उनका, उसको सहन नहीं कर पाए। सौतेली माँ सुरुचि ने बोला कि जाओ जाके नारायण की भक्ति करो, उन्हें संतुष्ट करो, फिर मर जाना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर पिता की गोदी में सिंहासन पर चढ़ने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा तुम्हें। ध्रुव महाराज आंखें क्रोध से लाल हो गई, तब छटपटाते हुए अपने एकमात्र सहारे की ओर भागे, अपनी माँ की ओर। उसकी माँ को समाचार मिल गया था जो अन्याय हुआ उसके पुत्र के साथ में, कुछ कर नहीं पाई। लेकिन सुनीति ने महाराज ध्रुव को बोला कि देखो, बदले की भावना से काम मत करना कि तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा अपमान करूँगा। एक भक्त को भी इस बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए कि तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हारा अपमान जब तक कर नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। ये जो भावना है ये अच्छी भावना नहीं है। इस भावना से एक तो हमारा हृदय भी हमेशा हमें कचोटता रहेगा। ये जो बातें हैं ना, ये जो कि सहनशील बनो, ये जो बातें हैं कि बदले की भावना हृदय में मत रखो, ये भगवान को तो संतुष्ट करेंगी, चलो वो तो एक बात है ही, लेकिन आपके हृदय को भी शांत रखेंगे। अशांतस्य कुतो सुखम, जब तक मन अशांत रहेगा कोई भी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयोजन है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मन को शांत रखना तो हमारे अपने फायदे में है, क्योंकि मन शांत नहीं होगा सुख का अनुभव कैसे करेंगे। इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें, ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति करने में हमारी सहायता करती हैं ये बातें। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और फिर सुनीति ने बोला, देखो चाहे सुरुचि ने बोला है, तुम्हारी सौतेली माया तुमसे ईर्ष्या करती है, लेकिन फिर भी उसने सलाह तुम्हें अच्छी दी है कि भगवान नारायण की भक्ति करो। क्यों करूँ? तुम्हारे दादा परदादा भी वही कर रहे थे, वही किया उन्होंने, वही कर रहे हैं, तुम भी करो। किसी और की भक्ति करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ध्रुव महाराज ने उस बात को स्वीकार किया और ध्रुव महाराज जो है वो चले गए वन में भक्ति करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तपस्या करने के लिए। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर नाम सर्वभूता नाम
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और भगवान ने प्रेरणा दी नारद जी को कि जाके आप उसको मार्गदर्शन दीजिए। नारद जी चले गए मार्गदर्शन देने के लिए। एक प्रचारक का काम ही है, अगर आपके हृदय में सच्ची गंभीर जिज्ञासा होगी तो आप अच्छे भक्तों से आपका संपर्क हो ही जाएगा। अगर हृदय में भोग की भावना होगी, भगवान की भक्ति के नाम पर दिखावा करने की भावना होगी, आपको वैसे लोग भी मिल जाएंगे, आपको वैसे लोग भी मिल जाएंगे। हर तरह का व्यक्ति हर तरह के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर हम छल करना चाहते हैं, धोखा खाना चाहते हैं, तो हमें धोखेबाज मिल जाएंगे, वो तुरंत आपको देख के पहचान लेंगे और आपकी मदद करेंगे धोखा खाने के अंदर, आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए हमें अपने हृदय में बहुत ही सावधानी से अपने हृदय को टटोलते रहना चाहिए हमें कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक जीवन की इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, फिर भक्तों का संग है, चैंटिंग है, मंगल आरती है, क्लासेस अटेंड करनी है, घर वालों की देखभाल करनी है, समाज के अंदर शादी ब्याह जीना मरना सब लगा हुआ, चारों तरफ बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, इतना सब कुछ चल रहा होता है कि व्यक्ति को बैठ के सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या हमें अपने हृदय को टटोलने की आवश्यकता है कि नहीं है। कोई उस बारे में ध्यान नहीं देता, बस एक रोबोट की तरह जो है कोई भी चीज़ मिलती है उसको खींचना शुरू कर देते हैं। इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। नारद जी मिल गए महाराज ध्रुव को और नारद जी ने महाराज ध्रुव के सिर पे हाथ रखा। वो बड़ी बात है कि गुरु ने अपने जो है अपने कर कमल शिष्य के सिर पे रख दिए, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इस बात से हमें विचलित नहीं हो जाना चाहिए। मैंने देखा है इस कौन में जो बहुत सारे शिष्य होते हैं, वैसे तो दिखते नहीं हैं, कोई सेवा में भाग नहीं लेते, लेकिन जब गुरु आते हैं तो सबसे आगे वही खड़े होते हैं और गुरु भी उनके सिर पे हाथ फेरते हैं और सोचते हैं जीवन सफल हो गया। जीवन सफल ऐसे नहीं होता। एक बार प्रभुपाद ट्रेन में यात्रा कर रहे थे इंडिया में, तो भारत में तो लोगों का जो है स्वभाव है, साधु देखेंगे तो साधु के चरण स्पर्श करते हैं। तो ट्रेन में लोग आ गए श्रील प्रभुपाद का चरण स्पर्श करने के लिए, तो चरण स्पर्श कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला क्या आशीर्वाद चाहिए? तो एक ने कहा जी मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, आप ही आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने कहा हमें ऐसे घटिया आशीर्वाद नहीं देता। अरे तो फिर आप कौन से आशीर्वाद देते हो? प्रभुपाद ने अपने शिष्यों की तरफ इशारा किया, घेर हुए वस्त्र पहने हुए हैं, सिर मुंडा हुआ, हाथ में माला। प्रभुपाद ने बोला मेरे ये है मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद चाहिए तो ऐसा बना दूंगा मैं, अगर मेरा आशीर्वाद लग गया आपको तो सोच लो ये आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए। गायब हो गए सारे, गायब हो गए सारे आशीर्वाद। आशीर्वाद गुरु का आशीर्वाद जो है, गुरु बोलेगा। कई लोग मुझे मिलते हैं कि गुरु ने बोला है कि जीवन में खूब अच्छे से तरक्की करो। अरे गुरु नहीं बोलेगा ऐसे भाई, तुम सुनना चाहते हो वो गुरु बोल देता है कि चल भाई ले, तू ये सुनना चाहता है ये ले सुन ले भाई। गुरु खुद ये काम नहीं कर रहे, गुरु को पता है कि भौतिक जीवन की सफलता का कोई मायने नहीं है, तो गुरु क्यों बोलेंगे किसी को कि भौतिक जीवन में तुम पूरी दुनिया को जीत के आ जाओ भाई, जब बात बनेगी। गुरु नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट श्याम सुंदर प्रभु 1969 के आसपास, 1969-70 में श्याम सुंदर प्रभु रह रहे थे इस
दुनिया के सबसे पॉपुलर आदमी के साथ, जॉर्ज हैरिसन के साथ रह रहे थे उसकी टाइटन हर्स्ट एस्टेट के अंदर, फ्रायर एस्टेट में। और शिला प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी श्याम सुंदर प्रभु को, भाई तुमने अब उसकी जितनी मदद करनी थी कर चुके, अब उसको छोड़ो, तुम वापस आ जाओ, डिवोटिस के साथ रहो आराम से, मुझे चिंता है भाई तुम्हारी। उनके साथ रह रहे 100 एकड़ की जगह के अंदर आए, ठाट से रह रहे हैं, और नाव है और अंडरग्राउंड नाव चलती है, और एक तरफ से आप जाओगे चारों तरफ चूने के पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ के पहाड़ की वो फीलिंग देने के लिए चूने के इतने बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं, और ठाट से रह रहे हैं। जॉर्ज हैरिसन इतना मैत्रीपूर्ण संबंध है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की, इम्पोर्टेंट नहीं है वो, छोड़ दो उसको, तुम आकर डिवोटिस के साथ रहो। और श्याम सुंदर प्रभु ने तुरंत छोड़ा, डिवोटिस के साथ आके रहना शुरू कर दिया। ये बात जो है, ये बात हम लोगों को जितनी जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाए अच्छा है। तो नारद जी जब मिले ध्रुव महाराज से, नारद जी ने बोला, देखो भाई तुम तो बच्चे हो, खेलो कूदो, ये क्या मान मान के अंदर फंस गए, जाओ मौज लो, बच्चों को तो डांटते डपटते रहते ही हैं लोग, इतना सीरियसली लेने की बात क्या है। ध्रुव महाराज ने बोला, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं लग रहा हूँ आपको बच्चा लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम बच्चे नहीं हो, अगर तुम बड़े हो तो फिर तो तुम्हें पता होगा, फिर तो तुम्हें पता होगा सुख दुख मान अपमान को सहन करना चाहिए, झेलना चाहिए। और ये जो मन डिस्टर्ब हो रहा है, जो मन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, ये माया जनित है, ये माया ही है जो तुम्हारे मन में क्रोध को पैदा कर रही है। लेकिन मेरे साथ बुरा तो हुआ है, अरे इसको अपने पिछले कर्मों का फल समझ लो, निज कर्म भी अपने कर्मों का फल समझो, भुगत लो, बात खत्म हो गई। ईश्वर गतिम बुधा, अगर तुम बुधा, अगर तुम बड़े हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो ईश्वर गतिम समझ लो कि भगवान द्वारा नियत है ये बात तुम्हारे लिए, भगवान ने बोला है कि भाई तुम ऐसा कर लो, बस बात खत्म हो गई। इसको स्वीकार कर लोगे तो बात चलेगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोला, तुम आ गए, मैं समझता हूँ सारी बात को कि तुम परेशान थे, तुम माँ के पास गए, माँ ने बोला जाओ भाई भक्ति कर लो, तुम आ गए तपस्या करने के लिए यहाँ पे, मैं सारी बात जानता हूँ। लेकिन भाई एक बात समझ लो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, जो रास्ता है, बड़ा मुश्किल है। अरे नारद जी आखिर क्यों बोल रहे हैं, नारद जी क्यों बोल रहे हैं रास्ता मुश्किल है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, 9वें अध्याय के 2वें श्लोक में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुख से भरी हुई है, अनुभव जनित है, और करोगे सुख मिलेगा आपको एक एक कदम पे। लेकिन नारद जी बोल रहे हैं बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है ये, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। आखिर नारद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नारद जी कह रहे हैं? दो कारण से नारद जी ऐसा बोल रहे हैं। पहली बात है कि नारद जी टेस्ट कर रहे हैं, गुरु का काम है शिष्य को टेस्ट करना कि आखिर कितनी गहराई है इसके अंदर, जो बोल रहा है भाई खरा उतरेगा नहीं उतरेगा। और दूसरी बात होती है कि कई बारी आप किसी को बोलो ना यार सिंपल काम है, तो उसको वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन, वो उत्साह नहीं आता। किसी को बोलो ना भैया ये काम करना, तो समझ लो तुम एवरेस्ट पे चढ़ गए, तो बंदा बोलेगा यार एवरेस्ट पे तो चढ़ नहीं पाया, चल यही करके एवरेस्ट पे चढ़ने का सुख ले लेता हूँ। तो उस काम में लगने की वो जो प्रेरणा आ जाती है, और नारद जी अभी डरा रहे हैं उसको, नारद जी डरा रहे हैं ध्रुव महाराज को। नारद जी कह रहे हैं भैया इतना आसान नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं, और तपस्या करते रहो, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते रहो, तो भी
बड़ा मुश्किल होता है कोई विरला जो है भगवान को प्राप्त कर पाता है। भगवान खुद ही कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वता। वो हजारों लाखों में से कोई एक प्रयास करेगा, जो प्रयास कर रहा है ऐसे हजारों लाखों में से कोई एक मुझे जान पाएगा। तो दुर्लभ की बात तो है ही, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, दुर्लभ तो है ही, दुर्लभ की बात तो कोई उसमें कोई संशय ही नहीं है। अरे अगर ये सारी बातें हैं तो फिर क्या करूं, क्या करूं, आप क्या कहते हो? नारद जी ने कहा भाई चुपचाप घर जा, खेल कूद, अपना बचपना जो है बचपन है बचपने की तरह बिता, आराम से अपनी माँ के संरक्षण में रह, जब बड़ा हो जाएगा फिर भी तेरे मन में ये तपस्या करने की लालसा होगी आ जाइयो, आ जाइयो, तेरे को हम तपस्या करवा देंगे। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। नारद जी ने ध्रुव महाराज को बोला कि देखो सुख दुख को झेलना पड़ता है, वो झेलने से बात बनती है। और फिर नारद जी ने ध्रुव महाराज को बोला कैसे आपके जीवन में तीन तरह के व्यक्ति आएंगे, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो आपके समकक्ष हैं, जो आपसे जो है नीचे हैं ज्ञान में आयु में, तो तीनों से कैसे व्यवहार करना है। श्रील रूपा गोस्वामी भी हमारे आचार्य भी इस बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे से श्रेष्ठ है उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए, जो हमारे समकक्ष हैं उनसे मित्रवत्र व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे जूनियर्स हैं हमें उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए, उनकी गलतियों को झेल लेना चाहिए और हमें उनको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक भक्त मेरे पास आया, पहले मेरे साथ जुड़ा हुआ था लेकिन फिर कई कारणों की वजह से वो अलग हो गया और वो अपना प्रीचिंग कर रहा है, कर लो भाई प्रीचिंग आप। तो एक बार उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि मैं वापस आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा जुड़ लो, लेकिन आप तो प्रीचिंग कर रहे हो, आपका सब ठीक चल रहा है, फिर आपको अचानक मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई, आपका तो प्रचार वगैरह अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा मैं प्रचार करके लोगों को खींच तो रहे हैं, उनको ऊपर खींच तो रहे हैं, लेकिन मैं उनको अपने लेवल पे तो ला सकता हूँ, अब और ऊपर जाने के लिए पहले मुझे भी तो अपना लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई वो तो है ही, अगर आपको किसी को ऊपर उठाना है तो आपको खुद भी ऊपर उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो नीचे हो और दूसरे को खींच खींच के ऊपर ले जाओ, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। आपको साथ में आपको खुद भी ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप में वो ताकत आएगी कि आप दूसरे को ऊपर लेके जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा आपकी बातें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी शिक्षा में कोई कमी है, लेकिन देखो मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, तमोगुणी व्यक्ति हूँ, बिल्कुल अज्ञान में डूबा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अरे भाई क्यों समझ नहीं आ रही, क्यों समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा हृदय जो है, मेरा हृदय तो पूरी तरह से इच्छाओं से भरा पड़ा है। मेरा हृदय, मेरे हृदय में तो दुनिया भर की इच्छाएं हैं, वो दुनिया भर की इच्छाओं के चलते मैं कैसे जो है जो आप कह रहे हो उसको कैसे पालन करूं। नारद जी ने बोला ध्रुव महाराज को कि समभाव बन जाओ, सुख दुख मान अपमान में समभाव बनो, निष्काम बन जाओ, कोई हृदय में इच्छा मत रखो। ध्रुव महाराज ने बोला कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, मैं तो संभाव नहीं बन सकता, मैं तो मेरे मन में तो इच्छाएं हैं, मैं तो क्रोध से भी भरा हुआ हूँ, इच्छाएं भी मेरे हृदय में हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो इस प्रसंग से ध्रुव महाराज के हमें ये पता चलता है कि जो डिवोशन है, जो भक्ति है, वो सबके लिए है। कोई नियम कानून नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कर सकता है।
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम ब्रह्म। हर व्यक्ति चाहे आप निष्काम हो, आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, भगवान की सेवा में लगा दीजिए हमने इच्छाएं, या आप इच्छाओं से भरे पड़े हो, या आपको मोक्ष की इच्छा है, कैसे भी हो भाई, तीव्रेण भक्ति योगेन भगवान की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति करना ही एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ध्रुव महाराज ने बोला कि देखो संभाव बनना बड़ा मुश्किल है, मेरा हृदय छिदा पड़ा है अपनी माँ के कटु वचनों से, मैं आपकी शिक्षाओं को वो महत्व नहीं दे पा रहा जो महत्व आपकी शिक्षाओं को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षाएं उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जब तक हम अपना हृदय नहीं खोलेंगे तब तक वो जो शिक्षाएं हैं हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन से ताले लगे होते हैं, कौन से ताले लगे होते हैं हमारे हृदय के ऊपर? हमारे हृदय के ऊपर ताला लगा होता है आसक्ति का, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने धन संपत्ति से। हमारे हृदय पर ताला लगा होता है इच्छाओं का, कि हमारे में 1 करोड़ इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने की होड़ लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा पहले कौन सी इच्छा पूरी करें, बाद में कौन सी करें, भाग रहे हैं फुल स्पीड पे इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इन सब ये जो ताले हैं हमने जो लगा रखे हैं, इसके चलते शिक्षाएं तो पहुंचती हैं हमारे हृदय द्वार तक, अंदर घुस नहीं पाती। आप देखो धृतराष्ट्र के पास अक्रूर जी गए थे बहुत पहले, जब छोटे छोटे थे पांडव, तब की बात बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने भेजा, जाओ यार जाके उसको समझा के आओ धृतराष्ट्र को। अक्रूर जी ने बहुत सारे नीति वचन बताए और धृतराष्ट्र चुपचाप सुनता रहा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सारी बातें खत्म हो गई, खत्म हो गई आपकी बातें? हाँ जी, मैंने जो बोलना था बोल दिया। देखो भाई आपकी बातें अच्छी हैं, मेरे हृदय में ठहर नहीं रही। अरे क्यों नहीं ठहर रही? क्योंकि दुर्योधन के प्रति प्रेम है, आसक्ति है दुर्योधन से। वो जो आसक्ति है वो हमें, जो हमारे लिए हित की बात है, जो हमारे कल्याण की बात है, हमें वो सुनने नहीं देगी कभी भी। हम लोग धृतराष्ट्र की हंसी उड़ाते हैं, हम लोग खुद अपना आंकलन नहीं करते कि क्या हम लोग धृतराष्ट्र हैं कि नहीं है। अगर आप सच्चाई से अपने हृदय को टटोलो ईमानदारी से, तो आपको दिख जाएगा कि कमोबेश हम सब धृतराष्ट्री हैं, कमोबेश धृतराष्ट्री हैं। अरे अभी तो तुम्हें बताया था अपने मान सम्मान को सहन कर लेना भाई, संभाव बन लेना। अरे वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा हृदय इच्छाओं से भी तो भरा पड़ा है। मैं तो अपने बाप दादाओं से, दादा परदादा से भी जो है उच्च श्रेष्ठ राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का राज्य होगा, अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उससे भी श्रेष्ठ लेना चाहूँगा, जब जाके मेरा हृदय जो है शांत होगा। अब आप ये बताओ आपके पास कोई तरीका है ये प्राप्त करने का? कोई तरीका है आपके पास? तो नारद जी ने बोला कि अब तुम अपनी माँ की जो सुझाव है, माँ का एडवाइस है, उसी को फॉलो करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह भी रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञाने च भरतर्षभा। 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं, जो सुकृति वाले हैं। जो आ गया समझ लो सुकृतिवान है भाई, इसने पुण्य कर्म कर रखे हैं। चाहे वो दुख के चलते आया हो, चाहे भौतिक इच्छाओं के चलते आया हो, चाहे जिज्ञासा के चलते, भाई देखता हूँ हो क्या रहा है,
क्या कर रहे हो तुम लोग, या फिर जो पूरी ज्ञान के साथ पूरी नॉलेज के साथ जिसको पता ही है कि हाँ कृष्ण भक्ति एकमात्र रास्ता है, या वो आया हो, चारों में से कोई आया हो, चारों चारों को बेनिफिट होगा। हमें हर व्यक्ति को हमें भक्ति में जुड़ने का, भगवान की सेवा करने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। नारद जी ने बोला कि देखो, तुम जब भगवान की भक्ति में जुड़ोगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सब में सिद्धि प्राप्त होगी तुम्हें, जो भी चाहिए सब में तुम्हें प्राप्त, वो सारी तुम्हारी इच्छाएं इससे पूरी होंगी। तो अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम यमुना जी के किनारे वृंदावन में मधुवन चले जाओ, वहाँ पर जाकर तुम आराम से भक्ति करो। वहाँ पे क्यों जाऊँ? भगवान तो सब जगह विराजमान है, भगवान सब जगह विराजमान है, लेकिन तीर्थ स्थानों में भगवान सुलभ हो जाते हैं। अरे तीर्थ स्थानों में भगवान क्यों सुलभ हो जाते हैं? तीर्थ स्थानों में भगवान इसलिए सुलभ हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान के भक्त अनेक संत महात्मा वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पे आने वाले लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी भक्त रहते हैं, जहाँ पर भी भक्तों का निवास है, जहाँ पर भी भक्तों का संघ प्राप्त है, वो तीर्थ स्थान है। युधिष्ठिर महाराज ने भी इस बात को स्वीकार किया था जब विदुर जी वापस लौटे थे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला था विदुर जी को, भवद्विता भागवतांश तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप हो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आपने तीर्थों को तीर्थ स्थान बनाया। तीर्थ स्थान की क्या वैल्यू है? तीर्थ स्थान की वैल्यू है कि वहाँ पे विदुर जी जैसे संत महात्मा वहाँ पे उपलब्ध है, उपस्थित हैं, हेल्प करने के लिए तैयार हैं। दर्शन है पवित्र गुरु, उनका दर्शन करेंगे काम हो जाता है, उनसे जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उनसे भक्ति करते समय 1 करोड़ हमारे मन में शंकाएं आए थे, कौन दूर करेगा? ये दूर करेंगे, जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो दूर करेंगे उन शंकाओं को। तो भक्तों के साथ में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भक्त हैं, जहाँ पर कथा कृष्ण कथा चल रही है, भगवान वहाँ पे अवश्य मिलेंगे। चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला में बताया गया है कि 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमेशा मिलेंगे। दूसरे अध्याय में बता रहे हैं कि वो कौन से 4 स्थान है जहाँ पे भगवान हमेशा मिलेंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु आज भी, हमेशा का मतलब है आज भी मिलेंगे। एक तो जहाँ पे माता शची रह रही है, माता शची का निवास स्थान है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा उपस्थित है, हमेशा वहाँ पे वास करते हैं। दूसरा स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। और चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत भरी पड़ी है ऐसे दृष्टांतों से, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे मौजूद हैं। श्रीवास आंगन में पानीहाटी में राघव पंडित का घर है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा निवास करते हैं। इतने महान डिवोटी हैं राघव पंडित, बिल्कुल जो कलकत्ता का दमदम एयरपोर्ट है उससे आप समझो आधा घंटा आप जाओगे, कोई कन्वेंस लेके आप पहुंच जाओगे। पानीहाटी से 5 मिनट का रास्ता खड़दाहा, जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान है। हमेशा चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और चौथा स्थान है श्रीवास आंगन, जहाँ पे संकीर्तन होता है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहाँ पर भी संकीर्तन हो रहा है, जहाँ पर भी कृष्ण कथा हो रही है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। इसलिए भक्तों का ये विशेष प्रयास होना चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक कृष्ण कथा, अधिक से अधिक संकीर्तन हम लोग करें।
नारद जी ने बोला धर्मराज को कि रोज 3 बार नहाओ और अष्टांग योग करो और भगवान पर ध्यान लगाओ। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो नारद जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये जो अष्टांग योग है इसका मकसद, इसका उद्देश्य जो है वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है। जितने दुनिया भर के लोग पतंजलि पतंजलि अगड़म बगड़म जितने भी ये उनके पतंजलि वगैरह के नाम पे अपनी योगा की दुकान खोल के बैठे हैं, ये सब धोखेबाज हैं, लोगों को सही बात बता ही नहीं रहे, कईयों को पता ही नहीं है और जिनको पता है वो बोल नहीं रहे क्योंकि इनसे उनके स्वार्थ सिद्धि में बाधा आएगी। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, पृथ्वी ते यहाँ किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहाँ परिपूर्ण छले। ये दुनिया में जो भी चल रहा है कि ये धर्म है वो धर्म है, भागवत को उठा कर देख लो तो पता चलेगा सब छल है, सब छल है। केवल और केवल जो भागवतम की शिक्षाओं के अनुरूप आचरण है, केवल और केवल वही वही धर्म है। अब ध्रुव महाराज ने पूछा, आप तो मुझे कह रहे हो ध्यान लगाने के लिए, लेकिन ध्यान लगाऊं किस पे, क्या सोचूं ध्यान लगाते समय, कितना अच्छा सवाल है। अब नारद जी जो हैं, अब नारद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस पे ध्यान लगाना है। गुरु ना गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु हैं भगवान कृष्ण, उन पे ध्यान लगाओ भाई, जो गुरुओं के भी गुरु हैं उन पे ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्धि होगी। और ये जो भगवान है सुप्रीम परम गुरु हैं, और क्योंकि वो परम गुरु हैं इसीलिए वो चैत्य गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे बेसिकली भगवान को परमात्मा रूप में भगवान की व्याख्या की गई है। और फिर नारद जी ने बताया कि अपने हृदय के कलमश को, जितने भी दोष हैं उसको अपने हृदय से निकाल के बाहर फेंको। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसको बोलते हैं प्रत्याहार, कि आपने जितनी अनर्थ हैं अनवांटेड डिज़ायर्स हैं उसको निकाल के अपने हृदय से बाहर फेंका। कैसे फेंक सकते हैं, कैसे फेंक सकते हैं? एक खाली गिलास है, वो खाली गिलास एक्चुअली में खाली नहीं है, हवा से भरा हुआ है। अब उसको उस खाली गिलास में से हवा को कैसे निकालेंगे बाहर? या तो वैक्यूम से निकालेंगे, वैक्यूम से निकालेंगे वो गिलास टूट जाएगा, पिचक जाएगा। अगर हम उस गिलास को सुरक्षित रखते हुए उसमें से हवा निकालना चाहते हैं तो उसमें से पानी डालेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। जितना जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे हवा अपने आप बाहर जाती रहेगी, कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हम अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगाएंगे, जप करने में, भगवान की व्यवहारिक कुछ सेवा करने के अंदर, आरतियां करने में, भक्तों से संपर्क अपना संबंध स्थापित करने में और फिर स्थापित संबंध को गाढ़ा बनाने में, जितना जितना हम समय लगाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो प्रत्याहार है ये स्वतः ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। अब नारद जी भगवान के रूप का गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने अनेक बातें बताई कि भगवान श्याम रंग के हैं और भगवान जो है उनके वक्ष पर जो है लक्ष्मी जी विराजमान है, कौस्तुभ उन्होंने धारण कर रखा है, बहुत ही सुंदर मुकुट है, कुंडलियां हैं और भगवान ने अनेक प्रकार के आभूषण डाले हुए हैं, श्याम रंग का वर्ण है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है, जो सबसे जो हिट करेगी, जो जो हमारे हमें हमें जो आकर्षित करेगी, वो बात है कि नारद जी ने बोला देखो भगवान कभी भी अप्रसन्न दिखाई नहीं देते। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं ये क्या कर दिया, नहीं। आप भगवान के श्री विग्रह को देखो, भगवान हमेशा
स्माइल करते रहते हैं। और भगवान नारद जी ने कहा, भगवान हमेशा वरदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान का एक नाम ही है भृत्य अनुग्रह कातरा। यहाँ पर जो निराकार जो ध्यान है उसको रिजेक्ट किया हुआ है कि हटाओ भाई ये निराकार ध्यान जो है वो आज से लाखों साल पहले हो सकता है कोई ध्यान व्यान लगा सकता हो। 5000 साल पहले तो अर्जुन ने बोला था मैं ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान के श्री विग्रह को हम दर्शन करके उनको अपने हृदय में हम भगवान को हम कैद कर सकते हैं। और नारद जी ने बोला कि जब आप भगवान के विग्रह के, जब आप भगवान के इस रूप का जब आप दर्शन करोगे, उस पर ध्यान लगाओगे, तो आपको हृदय में आप संतोष का अनुभव करोगे, आपका हृदय सुखी बन जाएगा। क्यों बोला नारद जी ने? क्योंकि ध्रुव महाराज अपनी भौतिक स्थिति में बहुत ही परेशान थे, और नारद जी ने बोला ये जितनी परेशानी है सब दूर हट जाएगी जब आप भगवान के श्री विग्रह पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे। बहुत ही ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और नारद जी ने बोला कि भगवान जो है वो दया के सागर हैं, लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आवश्यकता है कि हम भगवान की शरण ले लें। अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि आखिर नारद जी कैसे भगवान का जो है वर्णन कर पा रहे हैं? नारद जी को किसने अधिकार दिया कि भगवान के रूप का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर सकें? और शिला प्रपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी वैकुंठ जाते रहते हैं, नारद जी भगवान से मिलते रहते हैं, नारद जी भगवान का दर्शन करते रहते हैं, इसलिए नारद जी को अधिकार है, वो प्रमाणिक आचार्य हैं बताने के लिए कि भगवान दिखते कैसे हैं, ताकि दूसरे लोग भी भगवान से आकर्षण अनुभव कर सकें। हमें हमारे शास्त्रों में प्रसंग मिलता है कि किस प्रकार वज्रनाभ जी ने माता सुभद्रा से पूरी जानकारी प्राप्त की। वज्रनाभ जो है भगवान कृष्ण के पोते हैं, और वज्रनाभ जी ने पूरी जानकारी प्राप्त की भगवान कृष्ण के बारे में माता सुभद्रा से, और उन्होंने 3 विग्रह उन्होंने जो है उनका निर्माण करवाया, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ। और फिर उन विग्रहों को बनवा के उन्होंने जब माता सुभद्रा को वो विग्रह दिखाए, तो माता सुभद्रा ने कन्फर्म किया कि जो मदन मोहन जी हैं उनके चरण बिल्कुल भगवान के चरणों से मिलते हैं, एकदम डिट्टो। जो गोविंद देव जी का वक्ष भगवान कृष्ण के वक्ष से बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज भगवान के वक्ष के समान है, और जो गोपीनाथ जी हैं उनका जो मुख कमल है बिल्कुल भगवान का मुख कमल है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये कन्फर्मेशंस हैं, ये जो कन्फर्मेशन है ये वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं और बहुत ही हमारे पे दया करके उन्होंने शास्त्रों में भगवान के रूप का जो है वर्णन किया उन्होंने। और नारद जी ने बोला जो वास्तविक योगी हैं वो अपने हृदय कमल पर भगवान के इन शिव विग्रह को विराजमान करते हैं और सदैव उनका दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिन्होंने अपनी आँख में प्रेम भक्ति का सुरमा लगाया है वो सदैव भगवान के अपने हृदय में दर्शन करते रहते हैं। और भगवान हमेशा, नारद जी ने बोला, भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। क्यों भगवान मुस्कुराते रहते हैं? भगवान मुस्कुराकर अपने भक्तों को ये आश्वासन देते हैं कि स्थिति कितनी भी खराब हो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़, हर वस्तु, हर परिस्थिति, काल, भय, यमराज, हर चीज़ भगवान के
वश में है। भगवान के रहते एक भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात बताने के लिए भगवान नारद जी बता रहे हैं कि भगवान बहुत ही करुणामय दृष्टि से अपने भक्त की ओर देखते हैं। जब भक्त भगवान का दर्शन करता है तो भगवान भी भक्त की ओर देखते हैं। और नारद जी ने बोला इसी प्रकार एक भक्त को भगवान के श्री विग्रह पर ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के श्री विग्रह पर ध्यान लगाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह पर ध्यान लगाएगा तो उसका कभी भी पतन नहीं हो सकता। और यही बात भागवतम के इस श्लोक में चौथे अध्याय चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के 52वें श्लोक में यही बात लिखी है कि अगर हम भगवान के विग्रह के हम दर्शन करते हैं, निरंतर उनका स्मरण ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, कभी भी भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान हमेशा रक्षा करेंगे उसकी। ये प्रसंग ध्रुव महाराज का हमें बहुत ही प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि हम निष्काम नहीं हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा हृदय दुनिया भर के कलमशों से, दोषों से भरा पड़ा है। तो फिर कैसे हमारे लिए संभावना है सिद्धि प्राप्त करने की, भगवान को संतुष्ट करने की संभावना है? अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे, अगर हम प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन द्वारा, उनके शिक्षाओं के द्वारा अगर हम भक्ति अच्छे से करेंगे, सेवा अच्छे से करेंगे, तो ध्रुव महाराज को जैसे जैसे ध्रुव महाराज को सिद्धि सफलता प्राप्त हुई, वैसे हमें भी प्राप्त हो जाएगी, हो के ही रहेगी। कोई संशय नहीं है इसके अंदर, कोई संशय नहीं है। ये बात जो है बहुत ही ढाढ़स बंधाने वाली है, एश्योरेंस। एक हमारे हृदय में जो शंकाएं हैं भक्ति को लेके, उसको हटाने वाली है ये बात। हमारे जैसे लोगों के लिए ही विशेष रूप से शुकदेव गोस्वामी इस प्रसंग को लेके आए हैं, ताकि हमारे जैसे जो नौसिखिया भक्त हैं, जो श्रद्धा परिपक्व नहीं है, हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हिचकते हैं कदम आगे बढ़ाने में, क्योंकि दिख नहीं रहा। हम जॉब करते हैं, हमें सैलरी आ जाती है, हम बिजनेस करते हैं, हमें प्रॉफिट आ जाता है, हम चैंटिंग करते हैं, कुछ हाथ नहीं आ रहा। हमें मन में सुख मिल रहा है, शांति आ गई, मान लिया, लेकिन एक ठोस वस्तु हमारे हाथ में नहीं आ रही। ये जो प्रसंग है हमारे इन जो कोमल श्रद्धा को उसको सींच रहे हैं, हमारे जो कोमल श्रद्धा जो भक्ति लता है जो उसका सिंचन करती है ये प्रसंग। हमें बताते हैं कि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, हम लोग भक्ति कर सकते हैं, हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात अगर हम अपने हृदय में गांठ बांध लें, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।